1999 में जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी जिसको लीड कर रही थी एनडीए की, तो उसमें बहुत सी पार्टियां शामिल थी। लेकिन बाद में एक ऐसी पार्टी की एंट्री हुई जिस पार्टी की एंट्री से जिसके नेता से 10-10, 12-12 सांसद जिनके थे उन पार्टी के नेता जलने लगे। नेता का नाम था चौधरी अजीत सिंह, पार्टी का नाम था राष्ट्रीय लोकदल। अब आप सोचेंगे कि जलने क्यों लगे। दरअसल में 10-10, 12-12 सांसद वाली पार्टियां गठबंधन में शामिल थी, लेकिन उनके पास मंत्रिमंडल के इतने बड़े पोर्टफोलियो नहीं थे जो अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ 2 सांसदों के दम पे चौधरी अजीत सिंह को दिया था, क्योंकि उनको यकीन था कि चौधरी अजीत सिंह को अगर बड़ा मंत्रिमंडल दिया गया तो ये उद्धार करेंगे उस मंत्रिमंडल का। और चौधरी अजीत सिंह को दिया गया था कृषि मंत्रालय। कृषि मंत्रालय उनको मिला, सिर्फ 2 सांसद थे, एक मुजफ्फरनगर से उनकी पार्टी के सांसद थे, एक बागपत से वो सांसद थे। और जब 2 सांसद वाले नेता को कृषि मंत्रालय मिल गया तो काफ़ी हैरानी हुई थी। और जो गठबंधन में बड़ी बड़ी पार्टियां शामिल थी, किसी के 15 सांसद, किसी के 8 सांसद, किसी के 5 सांसद, कि हमको तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही है, एक 2 सांसद जिसके हैं उनके नेता को तो आपने कृषि मंत्री बना दिया और हमको राज्य मंत्री, ऐसा कैसे चलेगा। लेकिन जब चौधरी अजीत सिंह को वो कृषि मंत्रालय मिला तो वो निर्णायक साबित हुआ किसानों का काला बिल पास होने से रोकने में। उस वक्त एक बहुत बड़े नेता थे वो, और उनके साथ के कुछ नेता एक बिल लाना चाहते थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कि किसानों पर इनकम टैक्स लगना चाहिए। वो चौधरी अजीत सिंह ही थे जिन्होंने कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसानों पर तो इनकम टैक्स नहीं लगने दूंगा, खुद भी समर्थन वापस ले लूँगा, 2-4 और करवा दूंगा, अभी के अभी सरकार गिर जाएगी। और चौधरी अजीत सिंह ने भरी मीटिंग में जब ये बात बोली तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस बिल पर चर्चा भी कर सके। और यही कारण है कि आज भी किसानों पर इनकम टैक्स नहीं लगता। वो किसान जो हमेशा बदहाल रहता है, मौसम की मार झेलता है, अगर उस पर इनकम टैक्स लगा दिया जाता तो सोचिए आज किसान कितना ज़्यादा परेशान होता। लेकिन चौधरी अजीत सिंह की दूरदर्शिता का ही कमाल था कि किसानों पर इनकम टैक्स नहीं लगने दिया। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द चौधरी के साथ। जय माता दी।